हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सहेज जोशी और आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा एक ऐसा प्रॉब्लम जो इंडिया में मोस्ट रिसेंट लगभग 5-10 सालों से इसके केसेस बहुत अधिक देखने को मिल रहे हैं। ये एक ऐसी परेशानी है जो यंगस्टर्स को 18 साल से लेकर 45 साल के व्यक्तियों में बहुत अधिक देखने को मिल रही है और एक ऐसी बीमारी है जो मेल और फीमेल दोनों को बहुत सीरियसली और सीवियरली इफेक्ट करने लग गई है। पहले से ये दिक्कत परेशानी मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ यूएसए और यूरोप में इसके केसेस बहुत अधिक देखने को मिलते थे, लेकिन आजकल इंडियन पॉपुलेशन फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करने की वजह से और मॉडर्न लाइफस्टाइल होने की वजह से ये दिक्कत परेशानी आजकल इंडियन पेशेंट्स में मेल फीमेल्स में बहुत अधिक देखने को मिल रही है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टर्म करते हैं HSV, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। ये टू टाइप्स का होता है, HSV-1 और HSV-2। एक ऐसा प्रॉब्लम है जिस किसी भी व्यक्ति को ये दिक्कत परेशानी होती है उसको PTSD पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के कारण इसका जो मरीज होता है चाहे मेल हो या फीमेल हो वो अत्यधिक अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है, इस बीमारी को पढ़ने लग जाता है और एक ऐसी कंडीशन आती है कि ज़्यादा स्ट्रेस होने के कारण वो ये सोचता है कि उसके दिमाग में सुसाइडल टेंडेंसी, उसको सुसाइड करने का मन करता है और अपना जीवन समाप्त कर देने का मन करता है। चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग अमेजिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं। अगर आपको HSV-1 और HSV-2 हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस का कोई भी दिक्कत परेशानी है, आपने इसके लिए विभिन्न प्रकार का ट्रीटमेंट ले लिया लेकिन फिर भी आपकी ये दिक्कत परेशानी सॉल्व नहीं हो पा रही है, आप अंग्रेजी दवाइयाँ और अंग्रेजी ट्यूब्स लगा लगा के अगर आप इसके लिए परेशान है, आपकी परेशानी सॉल्व नहीं हो रही है किसी भी हालत में, रिअकरेंट आपको ब्लिस्टर्स का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर जोशी आपसे सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस का प्रॉब्लम है तो अगर आपको HSV-1 और HSV-2 का प्रॉब्लम है तो आपको क्या क्या लक्षण क्या क्या सिम्टम्स इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देखने को मिलते हैं और इसके लिए बेस्ट इलाज क्या ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं कि आपका जो ये हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस का प्रॉब्लम है 100% जड़ से ये बीमारी कैसे खत्म हो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है, मेरी वीडियोस को पहली बार अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और पर्टिकुलरली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, मैं ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। चलिए अब आपसे बात करते हैं, अगर आपको हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस का प्रॉब्लम है, आपको अगर HSV-1 का प्रॉब्लम है तो HSV-1 का प्रॉब्लम क्या होता है कि जो हमारी वेस्ट होती है वेस्ट से ऊपर को इफेक्ट करता है, हमारी कमर से ऊपर को HSV-1 का प्रॉब्लम देखने को मिलता है और HSV-2 हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 2 के केसेस में ये वेस्ट से नीचे को इफेक्ट करता है। जनरली इसमें क्या होता है कि पेशेंट को HSV-1 में सीवियरली जो इफेक्शंस देखने को मिलते हैं वो पेशेंट के लिप्स में, इनसाइड ऑफ माउथ, ईयर्स में इसके केसेस देखने को मिलते हैं। HSV-2 बहुत सीरियस कंडीशन मैं बोलूँगा आपसे, इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलरली मेल फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन्स को ये इफेक्ट करता है और मेल फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन्स में पेनफुल, दर्द भरे, पानी भरे हुए ब्लिस्टर्स, पानी भरा हुआ दाना पर्टिकुलर एरिया में बहुत ग्रुप्स में देखने को मिलते हैं। किसी को सिंगल भी हो सकते हैं, किसी को मल्टीपल भी हो सकते हैं और एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब भी ये पानी भरे हुए दाने आते हैं तो पेशेंट को लगभग एक से दो दिन पहले इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का पता लगने लग जाता है। पेशेंट के शरीर में उसको बुखार जैसी फीलिंग एक ऐसा महसूस करता है मरीज इसका जो होता है कि उसको जैसे बुखार आने में जो दिक्कत परेशानियाँ पेशेंट महसूस करता है ऐसी दिक्कत परेशानियाँ देखने को मिलती है, उसको बॉडी पेन्स होने लग जाते हैं, उसके शरीर में दर्द होने लग जाता है, उसको पर्टिकुलरली उसकी भूख प्यास कम होने लग जाती है और जो जेनाइटल रीजन में अगर जब भी ये होता है या पर्टिकुलरली HSV-1 लिप्स में आपके हो रहा हो या जेनाइटल एरियाज में आपको हो रहा हो, जब भी ये इन्फेक्शन पेशेंट के शरीर में अपने लक्षण दिखाता है तो सबसे फर्स्ट इसमें बुखार जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पेशेंट के पूरे शरीर में दर्द होने लग जाता है, मसल्स में पेन होने लग जाता है, पेशेंट की रात की नींद में दिक्कत परेशानी आने लग जाती है, उसको प्रॉपर ढंग से नींद नहीं आने आ पाती है और विभिन्न प्रकार की पेशेंट अगर ऐसी दिक्कत परेशानी हो रही होती है तो इसका मरीज जो होता है वो बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने लग जाता है। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ट्रॉमा और स्ट्रेस की वजह से पेशेंट इस पर्टिकुलर बीमारी को बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाता है और पढ़ने के बाद उसको निष्कर्ष ये मिलता है कि अगर आप गूगल सर्च वगैरह बहुत ज़्यादा उसमें बिलीव करते हैं तो उसमें यह लिखा रहता है कि जेनाइटल हर्पीस का कोई इलाज नहीं है। मैं मानता हूं कि जेनाइटल हर्पीस का कोई इलाज एलोपैथिक मेडिसिन में नहीं है, लेकिन आपको अगर जेनाइटल हर्पीस HSV-1 HSV-2 का कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही हो तो इसका संभवतः 100% इलाज अगर आप किसी अनुभवी कुशल होम्योपैथ डॉक्टर से मिलकर इसके लिए
पर्सनली खुद उनको विजिट कर परामर्श लेते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन से जेनाइटल हर्पीस का प्रॉब्लम, HSV-1, HSV-2 का प्रॉब्लम एब्सोल्युटली 100% ठीक किया जा सकता है। मैं खुद पर्सनली जेनाइटल हर्पीस के पेशेंट्स लगभग पिछले 5 साल से देख रहा हूँ और पूरे हिंदुस्तान के मरीज और आउट ऑफ कंट्रीज, लगभग एक अक्रॉस 35 कंट्रीज के पेशेंट मैंने जेनाइटल हर्पीस के देखे हैं। और जेनाइटल हर्पीस के पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो उसमें वेरिंग आते हैं, मतलब एक भी व्यक्ति में, पर्टिकुलरली अगर मैं 10 व्यक्तियों को अगर जेनाइटल हर्पीस के प्रॉब्लम के लिए देखूं तो 10 के 10 व्यक्तियों को मिलते जुलते हुए लक्षण किसी में भी देखने को नहीं मिलते हैं। स्पेशली जेनाइटल हर्पीस मेल और फीमेल दोनों को बहुत सीरियसली और सीवियरली अफेक्ट करने लग गया है, और कुछ कुछ केसेस में महिलाओं को तो ये भी नहीं पता रहता कि उनको ये दिक्कत परेशानी है। महिलाओं को स्पेशली पता ही नहीं रहता कि उनको ये दिक्कत परेशानी है। पुरुषों में भी ऐसा होता है लेकिन अधिकतर महिलाओं के केसेस में उनको कोई भी लक्षण नहीं आते हैं। जनरल हर्पीस के केसेस में अगर मैं आपसे सिम्टम्स की बात करूं तो सिम्टम्स जनरली HSV-1 में ये आपके ओरल कैविटी, लिप्स, ईयर्स, इनको अफेक्ट करता है, कमर से ऊपर के हिस्से को, कहीं पर को भी ये अफेक्ट कर सकता है। HSV-2 के केसेस में, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 के केसेस में ये आपके जेनाइटल रीजन्स या वेस्ट लाइन, वेस्ट से नीचे, कमर से नीचे के रीजन को बहुत सीवियरली अफेक्ट करता है। जनरली HSV-1 और HSV-2 का प्रॉब्लम जिन किसी को भी होता है ये एक्चुअल में एक STI है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ये इसके साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने के साथ साथ जैसे HSV-1, HSV-2 है, और भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन पेशेंट्स को देखने में मिलते हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर आपको जब भी पेनफुल ब्लिस्टर्स वगैरह आए हों, पर्टिकुलरली आपके पेनिस पे आए हों, आपकी वेजाइना पे आए हों, अगर फीमेल्स हैं, अगर आपको इसके सिम्टम्स वगैरह आते हैं तो मैं आप सभी लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आपको कम्प्लीटली अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। किसी भी तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में आप लोगों को इंडल्ज नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपको जेनाइटल हर्पीस का प्रॉब्लम है तो आपके किसी भी हालत में मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। आपको अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो मैं सभी लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस बताया कि इस प्रॉब्लम का पता नहीं लगता, लेकिन आप अगर ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं जिसमें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री को एक्सप्लोर करते हैं, तो मैं सभी लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आपको स्पेसिफिक HSV-1 और HSV-2 या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के जो टेस्ट होते हैं ये साल में या 6 महीने में अवश्य कराने चाहिए। अगर किसी महिला या पुरुष को HSV-1 का प्रॉब्लम है और उसको पर्टिकुलरली लिप्स पे सोर्स आ रखे हों, घाव जैसे पानी भरे हुए दाने आ रखे हों, तो स्पेसिफिक उन पर्टिकुलर महिलाओं को या पुरुषों को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपको HSV-1 के कारण फीवर, ब्लिस्टर या सोर्स आ रखे हों तो पर्टिकुलरली उस टाइम पर को आपको किसी को भी किस वगैरह या किसी भी चीज़ में अपने टॉवल्स वगैरह, अपने सोप्स वगैरह किसी भी हालत में एक्सचेंज दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं करने चाहिए। अगर आपको HSV-2 का प्रॉब्लम है और आपके पर्टिकुलरली पेनिस के शाफ्ट में या पेनिस में ब्लिस्टर्स आ रखे, इन केसेस में भी आपको स्पेसिफिक ध्यान देना चाहिए कि आप किसी भी तरीके से अपने पर्सनल हाइजीन का सामान किसी दूसरे व्यक्ति को शेयर ना करें। ऐसा करने से सिंपली आप ये जो दिक्कत परेशानी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, ये आप दूसरे व्यक्ति को बिना बताएं गिफ्ट में दे देंगे। इस सिम्प्लेक्स वायरस का अगर आपको दिक्कत परेशानी है तो जनरली लोग इसके लिए विभिन्न प्रकार की अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ और विभिन्न प्रकार की ट्यूब्स पर्टिकुलर ऑर्गन में, लिप्स में लगाते हैं, लेकिन संभवतः उनको कुछ आराम तो आता है, उनके ब्लिस्टर्स कम हो जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ केसेस में ये दिक्कत परेशानी जो होती है पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीरियसली और सीवियरली अफेक्ट करने लग जाती है। अंग्रेजी दवाइयाँ पर्टिकुलर केस में जो एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं वो दी जाती हैं, स्पेशली अगर मैं आपसे बात करूँ तो एसाइक्लोवीर और वेल्वोसाइक्लोवीर मेडिसिन आती है, वो इस पर्टिकुलर केस में दी जाती है। लेकिन ऐसी कंडीशन आती है कि स्टार्टिंग स्टेजेस में तो ये मेडिसिन काम करती है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति इनको फ्रीक्वेंटली यूज़ करने लग जाता है, जनरली परेशान बहुत ज़्यादा व्यक्ति हो जाता है क्योंकि इसके ब्लिस्टर्स बहुत फ्रीक्वेंटली पेशेंट को आने लग जाते हैं, तो प्रोलॉन्ग्ड लंबे समय तक इन मेडिसिन को वो इस्तेमाल करता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि ये दवाइयाँ पेशेंट को शरीर में काम करना बंद कर देती हैं और पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियसली इस प्रॉब्लम से अफेक्ट होने लग जाता है। तो मैं सभी लोगों को ये सजेस्ट करूँगा अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी है, जितनी जल्दी आपको इस प्रॉब्लम का पता चलता है उतनी जल्दी आप किसी नज़दीक के एरिया में थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, थोड़ा सा पता कर लीजिए, और किसी अनुभवी होम्योपैथ डॉक्टर से अगर आप मिलकर, स्पेशली ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर जो STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के केसेस को देखते हों, जो ऑलरेडी जिनने ऐसे केसेस देखे हों, अगर आप ऐसे होम्योपैथ डॉक्टर से पर्सनली विजिट कर अगर उनसे आप परामर्श लेकर ट्रीटमेंट लेते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन से ये
हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस का प्रॉब्लम एब्सोल्युटली 100% चाहे मेल्स में हो रहा हो या फीमेल्स में हो रहा हो एब्सोल्युटली ठीक किया जा सकता है। बेशर्त आपको यह है कि थोड़े से इसमें प्रिवेंशन प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लेने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि अगर आपको किसी भी तरीके से सोर्स वगैरह का प्रॉब्लम हो रखा हो तो आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में अपने सामान को किसी से शेयर ना करें, अपनी बेडशीट्स वगैरह का ख्याल रखें। और स्पेसिफिक ये जो प्रॉब्लम होता है ये आदमी की इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता, अगर जिस किसी व्यक्ति को ये होता है पहले तो ये प्रॉब्लम होने से जो इम्यूनिटी होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो जीरो हो जाती है। लेकिन स्पेसिफिक अगर आपको ऐसी दिक्कत परेशानी है तो मैं आपको पुनः एक बार ये बोलूँगा कि आपको अपने नज़दीक के एरिया में किसी अनुभवी कुशल होम्योपैथ डॉक्टर को ज़रूर विजिट करना चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करने से लगभग मेरे अकॉर्डिंग केसेस में 45 से लेकर 90 दिनों में हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के केसेस को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया जा सकता है और 100% सही किया जा सकता है। जो आपके ब्लिस्टर्स आने की फ्रीक्वेंसी हो रही होती है, जनरली इसकी जो पेशेंट्स होते हैं 4-4 दिन 5-5 दिन 1-1 हफ्ते तक ब्लिस्टर्स का प्रॉब्लम उनको आने लग जाता है। होम्योपैथिक दवाइयाँ अनुभवी कुशल होम्योपैथ डॉक्टर की गाइडेंस में अगर आप खाएंगे तो जो आपको परेशानी हो रही होती है ये ओवरऑल आपकी जड़ से ये बीमारी ठीक होती है, और जो ब्लिस्टर्स का प्रॉब्लम हो रहा होता है जो फ्रीक्वेंटली अटैक्स आपको आ रहे होते हैं ये एब्सोल्युटली इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। अगर किसी महिला को ये दिक्कत परेशानी है और वो महिला प्रेग्नेंट है तो मैं स्पेसिफिक प्रेग्नेंट वुमेन से भी ये बोलूँगा कि अगर आपको पता है कि आपको हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस का प्रॉब्लम, क्योंकि जनरली प्रेगनेंसी के टाइम से पहले टॉर्च टेस्ट करा के गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर चेक कर लेते हैं, लेकिन आपको अगर पता है कि आपको हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस का प्रॉब्लम है महिलाओं को, तो मैं स्पेसिफिक उन लोगों को ये बोलना सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा कि आपको हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस का प्रॉब्लम है। ऐसा करने से आपके जो बच्चे को ये प्रॉब्लम हो जाता है बहुत सीरियसली मैं आपको नोट में बोल रहा हूँ, महिलाएं स्पेसिफिक ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये दिक्कत परेशानी है आप प्रेग्नेंट हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को अवश्य ज़रूर बताइएगा कि आपको हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस की प्रॉब्लम है। संभवतः लगभग 90% केसेस में माँ से, अगर माँ को ये दिक्कत परेशानी है तो ये बच्चे को भी होने लग जाती है। बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, अगर बच्चे को ये दिक्कत परेशानी हो जाए तो बच्चे की इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से एडवांस्ड स्टेज होने के कारण बच्चे की डेथ भी हो सकती है और सिंपली बच्चे को भी ये बीमारी ईजिली कैच कर सकती है। तो मैं सभी लोगों को सजेस्ट ये करूँगा कि अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलकर डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसा प्रॉब्लम है, और इंस्टीड नॉर्मल डिलीवरी कराने के बजाय अगर इसमें सी सेक्शन डिलीवरी हो जाए तो लगभग 50-50% चांसेस ये होते हैं कि बच्चे को ये प्रॉब्लम स्प्रेड ना हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो ये वीडियो HSV-1 और HSV-2 हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस पे बनाई आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, मैं ऐसी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस का प्रॉब्लम अगर किसी भी मेल फीमेल को है तो मैं पुनः एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ आपको घबराना नहीं है, जनरली पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के कारण जब उनको पता लगता है, और एलोपैथिक डॉक्टर्स उनको बहुत सीरियसली डराने लग जाते हैं तो वो पेशेंट के दिमाग में बहुत खुरापात उल्टे विचार आने लग जाते हैं। तो सिंपली अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत परेशानी है निसंकोच किसी अच्छे अनुभवी क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से ज़रूर मिलकर परामर्श लीजिएगा, आपका परेशानी 100% तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे इसी चैनल पे एक और नए इंटरेस्टिंग अमेजिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।